लेग स्पेस, लेग स्पेस की। अभी बज रहा 4:40 AM और इन लोगों ने पूरे प्लेन को उठा के तक पता नहीं चला है। मैं आया हूँ श्रीलंका। जब मैं लैंड हुआ था तब मैं आपके लिए वीडियो बना ही दिया था शायद, तो उस पर टाइम दिखा होगा अबाउट। हम लैंड हुए थे आज सुबह 6:50, 9:07 हो रहा है। सीधा एयरपोर्ट से गाड़ी हमने ली एक बंदे से, बहुत मस्त गाड़ी मिली है, अभी आपको वो भी दिखा दूंगा। और सीधा एक कैफे में आया, बिल्कुल एक बूजी कैफे, 4950 rupees। बट इसमें क्या चाहिए कि इंडियन रुपीस। फ्लाइट का खाना मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि वो क्या, एकदम बोलना नहीं चाहता मैं क्या था वो। पर यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने मंगाया एक एवोकाडो टोस्ट और अभी के लिए मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये कॉफ़ी है अभी के लिए और मुझे नहीं पता इन्होंने इस पर क्या बनाया है, पर ये दिखने में तो अच्छा है। ये है दूसरी हॉट चॉकलेट, इसमें तो पता है मुझे क्या बनना है और ये सुंदर है, पर ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसे ख़राब करेंगे जब हम इंस्टा की स्टोरी ले लेंगे, अभी के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो गो फॉलो मी ऑन इंस्टा गाइस। ना आ गया, मैंने मंगाया एक वीगन एवोकाडो टोस्ट और उसके ऊपर टोफू है, क्योंकि हम प्रोटीन पूरा कर रहे हैं अपना। दूसरी चीज़ है एवो एंड एग्स, क्या है ये, बेगल, अमीरों की चीज़, हम ब्रेड पे खाते हैं जो भी, और ये ऐसे जो भी है। खाने के साथ दिख भी रहा हूँ, दिख रहा हूँ, बेड लगा सकता हूँ। सुपरमार्केट का और ये बहुत फेमस है। चार घंटे की लंबी ड्राइव के बाद पहुंच गए हम पहली अपनी डेस्टिनेशन, जिसका नाम है सिगिरिया। जिसको नहीं पता, श्रीलंका में एक सर्किट बनता है ऊपर से नीचे तक, तो हम कोलंबो एयरपोर्ट से सीधा सिगिरिया आए, जिसके चार घंटे लगते हैं ड्राइव करके। ड्राइव कर लिए पूरी, पर भाई ये होटल, इसका होटल का नाम है सिगिरिया विलेज। ये मतलब पूरी विलेज ही है एक अंदर से। मैं अभी रूम जा रहा हूँ तो मैं उसके बाद दिखाऊंगा थोड़ा सोने के बाद, क्योंकि फ़्लाइट भी कब की थी, फ़्लाइट पूरी रात थी, कुछ नींद नहीं आई भाई। श्रीलंका एयरलाइंस का लेग स्पेस देख ही लिया तुम लोगों ने, तो ये होटल में दिखाऊंगा अभी भाई। जन्नत अलग ही लेवल का है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, फ़ोटोज़ में ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा बेटर है असली में तो, और बहुत मतलब रीजनेबल प्राइस पे। मैं दिखाता हूँ अभी, ये दिखा दूंगा थोड़ी देर में, तब तक लाइटिंग शायद बादल हट जाए, लाइटिंग अच्छी हो जाए। ओके, सी यू, बाय। मैंने सोचा था कि मैं उठूंगा और ब्लॉग करूंगा, प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, वो सब जो मैंने बकवास की अभी 2 सेकंड पहले, पर चार घंटे गाड़ी चला के ऐसी नींद आई ना, बेहोश होके सो गया अभी। सीधा उठा हूँ डिनर के लिए, और हमने डिनर इंक्लूडेड नहीं था, पर हम आए यहाँ पर और हमने बूफे देखा और हमने सोचा कि हम तो यहाँ पर ही डिनर करें, पर ये बूफे 4500 श्रीलंकन रुपीस का है, जो कि होता है 1300 रुपीस, जो कि थोड़ा महंगा है, बट ये बूफे बहुत अच्छा है। तो और फर्स्ट प्लेट, जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं बहुत हेल्दी खाता हूँ, जो कि अभी दिखा रहा हूँ। मेरी फर्स्ट प्लेट में सैलेड, एक ब्रेड, एक गंदा दिखने वाला सूप है, ये कुछ तो है, पर मैं थोड़ा बीमार हूँ तो मैं पी रहा हूँ फ्रूट्स। ये मेरी फर्स्ट प्लेट है, इसके बाद मैं सारा अनहेल्दी खाऊंगा, तो तब आप जज कर लो। आज है नया दिन, 7:10 AM। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस जगह है जिसका नाम है सिगिरिया रॉक या फिर लाइन रॉक, जिसके लिए सिर्फ लोग यहाँ आते हैं, और कोई चीज़ नहीं है यहाँ करने के लिए। और अभी एक थोड़ा कट गया हमारा, क्योंकि हम वहाँ गए, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है, 5 मिनट दूर है, बट हम वहाँ ढूंढ ढूंढ के गए रास्ता,
एंड वहाँ पार्किंग करके उतरे जैसे ही तो वहाँ पे बंदे ने बोला कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। 35 USD है उसका प्राइस ट्रैक का। ट्रैक मतलब एक ट्रेल है, ऊपर चढ़ना है सीढ़ियों से 1200 steps। बट हम इंडियन पासपोर्ट मतलब अपना पासपोर्ट हम रूम में ही छोड़ के चले गए थे, तो अभी हम वापस होटल आए इरी गाड़ी और अभी पासपोर्ट लेके वापस जाएंगे। हमारा एम था कि हम शुरू कर देंगे ट्रैक 7 AM, बट अभी बीटी हो गई है थोड़ी। बट भाई $35 पर पर्सन देने से बेटर है ना कि $17.5 दे के काम अपना निपटाओ। और सारी मोटिवेशन अभी ये है कि हमें वापस आना है ब्रेकफास्ट बूफे के लिए, वो मिस नहीं करना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा बूफे है इनका, बहुत ज़्यादा बढ़िया एरिया है। मैं दिखाता हूँ, वो जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ और इधर ब्रेकफास्ट बूफे है इनका। अभी मैं आऊँगा जब वापस तब मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या बढ़िया जगह है। अभी तो वहाँ चलते हैं, वहाँ के नज़ारे दिखाऊँगा। तो भाग के पासपोर्ट लाता हूँ मैं और फिर जल्दी से जाएंगे। हमने बस जाने से पहले 1 सेकंड का दिमाग लगाया और पूछ लिया कि बूफे कब तक खुला है, और उन्होंने बोला 9:30। और अगर हम अभी जाते 7:30 पहुँचते तो 9:30 हम ट्रैक ख़त्म करते और फिर हम वापस आते 10 बजे तक। तो फिर इससे अच्छा हमने सोचा कि अब हम खा लेंगे, क्योंकि ये हमें मिस नहीं कर रहा, तो अभी हम खा लेंगे और फिर ट्रैक कर लेंगे जितने भी घंटे लग जाए, अब फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मेरे लिए दही और फ्रूट्स, और ये एक नया फ्रूट है, मेरे को नहीं पता था क्या है बट ये अच्छा दिख रहा था तो मैंने ले लिया। अब मैं खा के देख लूँगा और इसके बाद हम खाएँगे अच्छा खाना। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारी जो वन एंड ओनली, और हमें टोटल 40 USD की टिकट पड़ी, पर पर्सन 20 USD, क्योंकि हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है। और दिखने में तो बहुत बड़ा पहाड़ है पर यहाँ पे सिर्फ स्टेयर्स है, कोई ऐसी ट्रेल या कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत तो नहीं, थोड़ा इजी होगा पर इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ से मैं अगर दिखाऊँ तो थोड़ा यहाँ से ऐसा दिखता है कुछ। तो चलो अभी 2 घंटे लगा के इस पहाड़ से चढ़ने चले। तो गाइस हम पहली चेक पॉइंट पर आ चुके हैं। सबसे फेमस जगह है इस फोर्ट की, जिसकी वजह से इस पूरी पहाड़ का नाम लायंस हिल हुआ है। ये पता नहीं बोलते 1600 years पहले जो राजा था यहाँ का, उन्होंने ये पॉज बनवाए थे टू रिप्रेजेंट कि वो एक शेर जितने स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से फाइनल पार्ट है ट्रैक का, ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम रेस्ट कर रहे हैं 5 मिनट से। उसके बाद यहाँ से फाइनल जो ये सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, यहाँ जाना है मेन वो पार्ट है नंबर 36 ऑन द मैप। भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऊपर 9:25, 5-7 मिनट पहले पहुँच गए थे हम। और नीचे से इतनी हाइट नहीं लगती जितनी ऊपर से लग रही है। अभी चढ़ना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ी सांस फूली बट ठीक है, अच्छा है। यहाँ से दिख रहा है जहाँ से हम नीचे चल के आए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है भाई, हमारा होटल उस तरफ है, वो पूल जो लोग मुझे इंस्टा पे करते हैं फॉलो उन्होंने देखा होगा, मैंने उस पूल से यहाँ की फ़ोटो डाली थी। और वो नीचे जो फुटपाथ है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं अभी वो। और अभी हम ये सब चढ़ के पूरा यहाँ से फाइनल स्टेयर यहाँ तक आए हैं। फाइनल व्यू, और अगर यहाँ पे आए तो बिल्कुल पक्का आना, बहुत ही एकदम वर्थ इट व्यू है। वहाँ से शुरू करा था हमने, वहाँ से भी मैंने दिखाया था एक पॉइंट से, बट ये फाइनल पॉइंट है इनका बिल्कुल एज पे। तो बिल्कुल वो हमारी गाड़ी वहाँ अगर दिख रही है आपको, वहाँ पार्किंग है, वहाँ पार्क करके आए हम। बहुत ऊपर चढ़ के आए हैं पर बिल्कुल वर्थ इट है ये, बिल्कुल व्यू एकदम मज़ा आया। पर ये और ज़्यादा मज़ा आता अगर ये फ्री होता। पहाड़ भी चढ़ा हमने, पैसे भी हमने दिए। आज वापस हमें जाना है यहाँ से चेकआउट करके, 12:00 चेकआउट है हमारा, अभी 9:40 है।
चेकआउट करके हमें कैंडी जाना है जो कि एक फेमस सिटी है वो। तो अभी के लिए ये व्लॉग खत्म करते हैं, एक और व्लॉग शुरू करेंगे आज ही। कुछ बोलता नहीं हूँ, शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी। पसंद आया तो लाइक करो, एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, रीच बढ़ जाएगी थोड़ी, पर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम बस वीडियो बना रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय।